जिस दूसरे मुद्दे पर राजनीति खबरदार कर रही है वो है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन। केजरीवाल का जवाब और दूसरे समन पर भी न पहुंचना। आज 21 दिसंबर है, ईडी ने आज ही दूसरी बार केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कल ही विपश्यना के लिए निकल गए। आज जवाब भिजवा दिया जिसमें पूछा कि ईडी ने किस हैसियत यानी किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल ने ईडी को जो चिट्ठी भेजी उसमें पूछा है कि गवाह के तौर पर बुलाया या संदिग्ध के तौर पर। केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि उन्हें पार्टी के संयोजक के तौर पर पूछताछ में बुलाया जा रहा है या मुख्यमंत्री के तौर पर। पूछताछ की वजह साफ करने को भी केजरीवाल ने लिखा है। साथ ही ईडी से पूछा कि संबंध में केस फाइल की जानकारी क्यों नहीं। लगभग ऐसे ही सवाल 2 नवंबर को पेश होने वाले समन पर भी केजरीवाल ने पूछे थे और चुनाव प्रचार करते रहे। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रेवल टुगेदर। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रेवल टुगेदर। कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना, एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली पानी स्कूल अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। अब खबरदार करते हैं उन सवालों से जिनका जवाब इस मुद्दे पर भविष्य की आपको जानकारी देगा। अब इस खबर में आगे यह आपको जानना जरूरी हो जाता है कि ईडी आखिर क्यों शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब जल्द करना चाहती है। ईडी को क्यों लगता है कि केजरीवाल का बयान दर्ज करना जरूरी है, और अगर दूसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते तो आगे क्या होगा। एक एक करके ये जवाब अब आपको संवाददाता मुनीश पांडे बताएंगे। ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है मनीष सिसोदिया के बेल मामले में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में 3 महीने के अंदर मामले का ट्रायल शुरू करना है, यानी कि 3 महीने का वक्त ईडी के पास में है। और अगर सिर्फ 3 महीने का वक्त है तो ऐसे में जितने भी इस मामले में संदिग्ध हैं या आरोपी हैं उन सबके बयान दर्ज करना जरूरी है। सवाल है क्या आखिर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज कराना क्यों शराब घोटाले में ईडी जरूरी समझती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम बकायदा काले अक्षरों में लिखा था, और उन्होंने यह कहा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी, विजय नायर का उसमें जिक्र हुआ था, वही विजय नायर जिसने की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टल से इस पूरे शराब घोटाले में ली हुई थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के दौरान, शराब घोटाले के दौरान, आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं मगुंटा रेड्डी, उनसे आमने सामने बैठकर मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में व्यापार करने का नई शराब नीति के तहत न्योता दिया हुआ था, तो उसे लेकर भी उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम हो जाता है खुद, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल है, पार्टी के लिए भी मुश्किल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर जो कि पूरे पार्टी के मुखिया है उनसे
पूछताछ नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी क्या उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, क्या घोटाले के पैसे का कहीं और इस्तेमाल हुआ था। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करना है, उनसे पूछताछ। तो फिर कब तक ईडी के दफ्तर से दूरी अरविंद केजरीवाल की रहेगी? अहम जानकारी आज तक देता है। अरविंद केजरीवाल 3 समन को स्किप कर सकते हैं। 3 समन के बाद ईडी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई 2 तरह की होगी। कोर्ट जाकर ईडी कह सकती है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कोर्ट ही पेश होने का आदेश दे। या फिर दूसरा रास्ता होगा, ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए खुद ही पूछताछ करने पहुंच जाए।